अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे हाथ में जो फ़ोन है यह है वीवो वन सेवन एट टू सिक्स। ये फ़ोन है तो आज हम जो है इस फ़ोन का जो रिव्यू है ये करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम जो करेंगे इस फ़ोन का, हम सबसे पहले जो है ऑन करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं असल में ये कितने मिनट में ऑन होता है, ये सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा फ़ोन है। हम इसको इस तरफ एक की है, इस की में ये देखिए ऑन किया। देखिए कितने टाइम पे ऑन होता है, ये आप लोग देखते रहिए, मुझे भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब इसको हम ऑन कर लेते हैं। ये देखिए ये इसके स्क्रीन है। अच्छा, ये आ गया। अब चलते हैं हम इसके जो है सेटिंग में। आपको दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, सेटिंग में जाने के बाद जो चीज़ है हम आप लोगों को लेके जाते हैं, इसके मोड सेटिंग में लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ जाने के बाद अबाउट फ़ोन, ये देखिए इसका जो फीचर है ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, उम्मीद है। तो इसका जो फीचर है इस तरीके का है। हाँ देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को वहाँ से उल्टा दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ इसलिए इस तरीके का कुछ हो रहा है, लेकिन ये सही हो जाएगा। देखते रहिए, मेरे साथ रहिए, बने रहिए। अच्छा, वीवो ये देखिए, हाँ 1726 ये मॉडल है इसका, एमआई नंबर है। ये एंड्रॉयड वर्शन 8.1 है, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच है 12.5 का, प्रोसेसर है 2 GHz का, सीपीयू है, 4 GB रैम है, और ये फुल टच ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और इसका जो रैम सिम वगैरह सब कुछ है जो भी हो, ठीक है। और हम चले जाते हैं इसके बाद इसके जो एप्लीकेशन वगैरह हैं। ये देखिए ये जो एप्लीकेशन है ये यहाँ पहले से ही सेट है। अच्छा, ये तो हो गया एक चीज़। उसके बाद आइए हम इसके जो कैमरा है, कैमरा की तरफ जाते हैं। इसका जो कैमरा है सिस्टम अपडेट, अच्छा ये इसका सिस्टम अपडेट है, ठीक है, देखते रहिए आप लोग। उसके बाद आइए हम इसका जो कैमरा है उसमें जाते हैं, कैमरा असल में कैसा है क्या नहीं है, देखते रहिए देखते रहिए। अच्छा, यहाँ जो है फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड ये सब कुछ दिया जा सकता है। आप इसका जो रैम वगैरह है ये देखिए, 4 GB रैम, 64 GB रोम है इसका, ठीक है। अभी तक मेरा जो अच्छा खासा रह गया, अभी तक यूज़ नहीं किया। अच्छा, इसके बाद आइए इसके कैमरे की तरफ, हम कैमरा दिखाते हैं असल में कैमरे की क्या हालत है। ये है उसके कैमरे की हालत, ठीक है, देखते रहिए। ये देखिए मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं असल में कैसा दिखाई दे रहा है। ये पिछला वाला कैमरा है। इस कैमरे की जो खासियत है क्या नहीं है, हम यहाँ चले जाते हैं। ये देखिए इस तरीके का कुछ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद असल में कैमरा
क्या हालत में है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कैमरा, अच्छा, इसका जो नीचे का जो बार है यहाँ से इस तरीके से उठता है। उठने के बाद यहाँ से आप सामने आगे पीछे जा सकते हैं। गेम मोड है, यहाँ आई प्रोटेक्शन है, फ्लैश लाइट है, ब्लूटूथ है, स्पीड अप है, ठीक है, वाइब्रेशन है, डाटा नेटवर्क, एस कैप्चर यानी स्क्रीन शॉट लेने का, रोटेशन लॉक, डू नॉट डिस्टर्ब, वाईफाई है हॉटस्पॉट देने के लिए, एयरप्लेन मोड है, सुपर सेवर है, कैलकुलेटर है, मल्टीपल टास्क है, कैमरा है, लो पावर मोड है, लोकेशन ये मैं ऑन ऑफ कर लेता हूँ। अच्छा, तो इस तरीके का कुछ है, यहाँ बाइक का भी सिस्टम है। अच्छा, आ जाइए। तो इसका जो कैमरा है असल में कितना है कितना नहीं है मैं आप लोगों का अभी बता देता हूँ, एक मिनट ठहरे रहिए। ये देखिए कैमरे की कंडीशन, डबल कैमरा यानी ये एक कैमरा, ये एक कैमरा, यह फ्लैश लाइट है, और फ्रंट पे ये देखिए ये एकदम लुक लाइक आईफोन की तरह का है, ठीक है। तो आइए मैं इसका जो Vivo 17, हाँ तो अगर आप लोग ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं आप 13,990 में, ठीक है, और अमेजोन से 14,991 में ले सकते हैं, ठीक है। और इसका जो क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्ले है, ये देखिए कितना बड़ा डिस्प्ले है, तकरीबन तकरीबन 6.22 इंच है, ठीक है। और इसका जो रेजोल्यूशन है 1520 इज इक्वल टू 720 पिक्सल है, और रेजोल्यूशन टाइप HD+ है, इमेज वगैरह बहुत अच्छी खासी आती है। और इसका जो कैमरा है, कैमरा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। कैमरे की जो है फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल है और +2 मेगापिक्सल भी है, और बैक कैमरा जो है सेकेंडरी कैमरा ये भी है, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल है इसका, यानी फ्रंट का कैमरा बहुत अच्छा है इसमें। और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इसका जो फ्रेम रेट है 30 FPS है, और लेंस दोनों में ही है, कैमरे दोनों में ही है। और इसका जो नेटवर्क कैपेबिलिटी है यानी 3G 4G ये सब कुछ ही है, दोनों में सपोर्ट करता है, और अच्छा खासा फ़ोन है। अगर आप लोग इस फ़ोन को लेना चाहते हैं, और इसका जो बैटरी है ये भी बहुत अच्छा खासा है, 32.60 mAh है, 32 पॉइंट, हाँ ठीक है, यानी 3260 mAh की बैटरी है, ये बहुत अच्छी है, यानी अगर क्या बोलते हैं इसको, और इसका जो वारंटी है यानी 1 साल का वारंटी है, और एक्सेसरीज़ में 6 महीने की वारंटी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये फ़ोन अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये फ़ोन अच्छा लगे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फ्लिपकार्ट का, आप लोग वहाँ से ख़रीद सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा सा भी हो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को थैंक यू, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी को मेरा जो वीडियो है मिल जाए। ये आप लोगों का आज मैंने मेरी एक फ़ोन का जो रिव्यू है ये दिखाया है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।